पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए नीतीश जी, बहुत लेट से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने बहुत लेट से निकले, उनको और पहले जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में मनेर विधानसभा और दानापुर विधानसभा में बाढ़ आया था और प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी आपदा विभाग की, उतनी मिली नहीं उन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो कोसी का बराज खोला गया, उससे जो उसके आसपास जितना कोसी के बेल्ट वाले, उनमें पानी काफ़ी भर आया, क्योंकि मैं पूर्णिया गई थी तो रास्ते में दरभंगा होते हुए सब जगह गई तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग उससे परेशान हैं और सब लोग ऊँचे मतलब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बाढ़ के हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बाढ़ ग्रसित इलाकों में हवाई सर्वे किया, जिसके बाद अब सांसद मीसा भारती ने जबरदस्त तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है और कहा है कि नीतीश कुमार जानते हैं कि मॉनसून के बाद बिहार में अक्सर बाढ़ आता है, तो फिर नीतीश कुमार ने अपना काम करने में इतनी देर क्यों की? जब बिहार में बाढ़ के हालात बिगड़ गए, उसके बाद क्यों नीतीश कुमार एक्शन में आए? साथ ही साथ आपको बता दें, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर, उनके राजनीतिक पार्टी को लेकर जिसका लॉन्च कल प्रशांत किशोर करने वाले हैं, उसको लेकर चिंतित नजर आई मीसा भारती, क्या कुछ बयान दे रही थी, पहले आप वो सुने। देखिए नीतीश जी, बहुत लेट से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बाढ़ का सर्वेक्षण करने बहुत लेट से निकले, उनको और पहले जाना चाहिए था। आपको मैं बता दूं कि पाटलिपुत्र क्षेत्र में मनेर विधानसभा और दानापुर विधानसभा में बाढ़ आया था और प्रशासन की तरफ से जितनी सहायता होनी चाहिए थी आपदा विभाग की, उतनी मिली नहीं उन लोगों को। दूसरी बात, अभी जो कोसी का बराज खोला गया, उससे जो उसके आसपास जितना कोसी के बेल्ट वाले, उनमें पानी काफ़ी भर आया, क्योंकि मैं पूर्णिया गई थी तो रास्ते में दरभंगा होते हुए सब जगह गई तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग उससे परेशान हैं और सब लोग ऊंचे मतलब बांध पे या सड़कों पे अपने जानवर और अपने परिवार के सदस्यों को लेकर के थे। तो सरकार को और पहले नींद से जागना चाहिए था और बाढ़ के लिए, क्योंकि हमेशा पता है कि बिहार में बाढ़ आता है, इस क्षेत्र में खास तौर पे बाढ़ आता है, तो उसकी तैयारी आपदा विभाग को और बिहार सरकार को पहले से करनी चाहिए थी। स्मार्ट मीटर को लेकर आज राजद का प्रदर्शन हो रहा है। देखिए प्रदर्शन आज राजस्तरीय ये धरना प्रदर्शन है, लेकिन प्रदर्शन हम लोग इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल आवाज पहले से उठाती आई है कि आखिर जो ये स्मार्ट मीटर लगा है तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसको सरकार इस पर विचार करे, उसमें गरीबों को, खास करके गरीबों को बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार कह रही है कि सस्ता बिजली दरों पे लोगों को मिल रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। आजकल बिजली का एक यूनिट का कितना दाम है मुझे नहीं है इसकी जानकारी, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो जो भी इंडिया गठबंधन के हम लोगों ने जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो हम लोग 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और इस पे हम लोग अभी भी कायम हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग जनता को बिजली में राहत देंगे। कल प्रशांत किशोर अपनी पार्टी की स्थापना कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने लालू यादव के परिवार पर, तेजस्वी यादव पर भी अटैक किए। देखिए मेरा प्रश्न, सवाल खड़े कर दिए। देखिए प्रशांत किशोर जी से मेरा प्रश्न है कि आखिर जो दल उनका जन स्वराज है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कौन बनेंगे? मतलब प्रशांत किशोर जी को जब आप मीडिया के माध्यम से जब मैं सुनती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस दल का कैसे चल रहा है ये दल, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, कौन लोग नहीं शामिल होंगे। बातें तो बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी से यही मैं कहूँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री इस देश का बनाया, तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो बातें आज कह रहे हैं बिहार के युवाओं को कि जो रोजगार देगा आप उसको वोट दीजिए, मतलब आप रोजगार दीजिएगा, आप एक तरफ प्रधानमंत्री बनाए तो आप उस प्रधानमंत्री से क्यों नहीं रोजगार मांग रहे हैं बिहार के लिए? बिहार में कितनी फैक्ट्री है प्रशांत किशोर जी ने आपने लगवा दी नीतीश कुमार जी को बोल करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बोल करके। तो ये सब जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है, खुली आंखों से कान से वो सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जब वोट का समय आएगा तो सबके सामने परिणाम दिखेगा। मुसलमानों की हित की बात कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कर काम कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं हम तो आरजेडी से मुकाबला ही नहीं है, एनडीए से मुकाबला, लगता है कि बी टीम है वो बीजेपी।
बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से बिहार में जिस तरह का माहौल वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे तो यही लग रहा है कि वो भारतीय जनता के बीटीम के तौर पे दिख रहे हैं। मुसलमानों की हितैषी अपने आप को बता रहे हैं, इतना दावा कर रहे हैं कि इतना टिकट देंगे, इसको लेकर आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी तो हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन वो जो उनका एक जो अपना उनका एक अपना काम था, वो जो मैनेजमेंट, चुनाव मैनेजमेंट किसी दल को मतलब जिताना, तो मेरे सिर्फ एक प्रश्न होगा कि आखिर उनके जो कोर टीम जो होती थी उसमें कितने मुसलमान सदस्य थे, कितने लड़के और कितने लड़कियों को उन्होंने पहले भला किया, फिर बात करें ना बिहार पे। आप तो बिहार में भी काम किए हैं, मैंने कहा कि बिहार तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने इस देश का प्रधानमंत्री बनाया, आपने उनके लिए काम किया, तो आपने बिहार के लोगों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, मुसलमानों के लिए, बिहार के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री से आपने क्यों नहीं डिमांड रखा कि हमारे बिहार का विकास होना चाहिए, हमारे बिहार में फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए, हमारे जो नौजवान बेरोजगार भाई हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आज आप एक दल बना करके आप क्यों भ्रमित कर रहे हैं? मैंने कहा कि बिहार की जनता बहुत समझदार है और समय पे इसका जवाब देगी प्रशांत किशोर जी को। ठीक है दीदी। प्रशांत किशोर लगातार चुनावी तैयारी में नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने राजद पर जबरदस्त तरीके से पोस्टर के जरिए निशाना साधा था, जिसके बाद आज सांसद मीसा भारती जबरदस्त तरीके से पलटवार करती नजर आ रही है प्रशांत किशोर पर, और कहा प्रशांत किशोर को भाजपा की बी टीम तक बता दिया। जी हाँ, प्रशांत किशोर अक्सर ये बयान देते नजर आते हैं कि उनका जो मुकाबला है बिहार में वो एनडीए से नहीं, भाजपा से नहीं, बल्कि राजद से है, जिसको लेकर मीसा भारती पलटवार करती हुई नजर आई और कहने लगी कि उनके बयानों से तो यही लगता है कि प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है। साथ ही साथ उनकी पार्टी की चिंता कर रही थी मीसा भारती, कई सवाल खड़े कर रही थी और पूछने लगी कि आखिर प्रशांत किशोर बताए कि उनके पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कैसे उनकी पार्टी काम करने वाली है। प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े दावे, बड़ी चुनौतियां करते रहते हैं प्रशांत किशोर, तो इन सवालों का भी जवाब दे। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर को लेकर जो बवाल हो रहा है, स्मार्ट मीटर को लेकर राजद की ओर से आज से जो आंदोलन शुरू किया है उसको लेकर भी बड़ा बयान देती नजर आई सांसद मीसा भारती, क्या कुछ कह रही थी ये हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।